गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ थोड़ी सी लास्ट क्लिपिंग से फंक्शन की। मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छा काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि फंक्शन था किस चीज़ का। तो मैं हमेशा बता चुकी हूँ कि मेरी खाला हैं, उनकी बेटी ने आलिमा का कोर्स किया है कंप्लीट। तो बस वो काफ़ी मेरे ख्याल 4-5 साल या 6 साल, मुझे इतना पता नहीं है, तो इतने सालों का कोर्स होता है, तो उसे कंप्लीट किया है माशाल्लाह से। तो जब जहाँ जिस जगह से उन्होंने किया है वहाँ पर उनको पगड़ी पहनाई गई थी, वहाँ पर भी फंक्शन था। फिर घर पे भी करना होता है, जैसे उसी तरह से कि हज पे जाते हैं तो लोग खाना करते हैं, तो उस तरीके से ये सब हुआ था। और वो जो लड़का बैठा हुआ था, सब पूछे थे कि वो क्यों बैठा है या उनको क्यों माला पहनाई जा रही है, तो वो मेरी खाला का बेटा था और वो 40 दिन की जमात करके आया है, इसीलिए उसे माला पहनाई जा रही थी। तो अब होगी हमारी विदाई, तो आप लोग वो एंजॉय कीजिए। ये इनका दिमाग तो ज़्यादा चलता है, बहुत अच्छा लगा आप आई, बहुत अच्छा लगा सच में, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, सच अंकल पापा जी डर गए। ये हो रहा है हमारा खाना पैक, ये तो खालू पूरा इतना सारा ले आई है। मैम परवेज वहाँ घर पे रह गए हैं, छोटे भैया घर पे रह गए हैं। परवेज भैया ही कोई कह रहे हैं, वो तो चले गए, वो चले गए। हाँ अब कल हिना बाजी भी तो आ रही है, चलो बढ़िया है। तो काम बन लिया, बढ़िया बढ़िया। मम्मी चटपटी बनवाई थी, अच्छी लग रही थी। हाँ हाँ कन्नारी हलवा दिए हमारा ये। अब इसे किस में करोगे? गम में नहीं आता लग। हाँ दिल्ली का है भाई, पुरानी दिल्ली। हाँ डिब्बे में सही हो जाता ये। तूने मुझे ऑन करके दिया था ना, नंबर चल रहा ना। ओके अस्सलाम वालेकुम, बाय। हाँ, दवाई तो सही दे दी डॉक्टर ने, एकदम जादुई, इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये बता रहे हैं इनके साथ, मेरे साथ तो खाया थोड़े बहुत चावल, इनके साथ भी रोटी का टुकड़ा खाया और चावल खाया, और अभी मैं जूस पिला लाई। इसकी पहले ली है, पानी तक नहीं झुल रहा था मैं ना, पानी तक वो हाँ गर्मी तो बहुत है। हाँ तुम अपने मुट्ठी में क्या दबाए हुई हो? बस आंटी का प्यार है। चलो भाई अरे ये देखो, इन्हें देखो, इन्हें तो आप शूट करेंगे सारा नज़ारा सारा। ये लास्ट वाला मोमेंट बुरा लगता है बस। मुझे तो खुद ऐसा लगा अभी प्यास से बुझ गई तो। हाँ हमें हमें वहाँ से वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर तो सब थे ना, हाँ। कि मिराज से भी मिलना, और जबकि अभी तो ऐसा हमारी तो आंखें भी नहीं ठहरी हैं अभी आप पे, ऐसी लग रही है बस अभी। हाँ वही 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 बताया नहीं था ना इन्होंने। हाँ अच्छा हम द्वारका गए हुए थे, वो तो हमें पता, भाई जी का फोन आया, आपका तो पता ही नहीं था, वो तो जी जो आए ना, मैंने कहा अच्छा, तब फोन किया हमने बाजी को। आप ये देखो दोनों में, दो कैमराज में सेम शूटिंग हो रही है। बस दुआएं दीजिए कि अल्लाह हिम्मत दे बीमारी का हिम्मत से काम लेना, ऐसी बढ़िया तरह से हिम्मत रखना, जैसे आप बात कर रही पाई है जैसे हिम्मत रखना बस। नहीं नहीं बना रहे, अच्छी बन रही है, दोनों के साथ बन रही है देखो।
ये वाली स्टॉप करनी है, ये कंटिन्यू बनने दें, 3 मिनट होगा आपकी वाली स्टॉप करने वो फल लाए थे मम्मी से, बहुत अच्छे से रहना है, मम्मी का ख्याल रखना है। आप ही बोल के तो जो आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। इसे ख्याल रखता कौन है? बोल, 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 बोल रखता बता। अल्लाह, 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 अल्लाह कौन रखता है? अल्लाह। पापा जी आप कैमरे में आ रहे हो? करो करो करो। क्रेडिट। इंसानों का सारा क्रेडिट अल्लाह की देती है। वो बुरा भी मान के मैं लेती रहती हूँ और वो कहते हैं सुबह ऐसे शांत रहते हैं ना तो लगती है। आपको ले लो भाजी, इधर हाई करो। हेलो भाजी, आप भी आ रहे हो? चलो इसे स्टॉप करना है भाजी। अरे सच में आप इसमें भी वीक दिख रही हो, आप इसमें भी वीक दिख रही हो। ऐसा लगे अगली बार देखेंगे तो पता नहीं और कहीं हमारे जितनी तो नहीं हो जाओगी। और वैसे भी आपका दावा है हमसे। एक बार फिर से मिल लो आप दोनों। पिछली बार ऐसे यहाँ पे गाड़ी वो हो रही, अन्नू अप्पी जब जा रही थी ना तो माजी थी जो से गाड़ी वो कर रहे और बीच में बाइकें जा रही। बाजी तो बस जी हम वापस घर आ चुके हैं, आप लोगों ने हमारी विदाई देख ली है। तो बस हमारे घर में इस तरह से हंसी मजाक सब चलता रहता है और अब मेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और आप लोग सोचोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं रात को आई थी, मेरी रात में ही तबीयत ख़राब हो गई थी, पहले जाते में लिबा की हुई थी, आते में मेरी हुई थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो बस अब मैं जा रही थी डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ। गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको झेल पाना ना सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि मतलब वहाँ पर भी एसी है, कार में भी एसी में गए थे, बट फिर भी स्टिल पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो बस अब मैं यहाँ पर बैठी हुई, मुझे फीवर, वॉमिट और लूज़ मोशन और पता नहीं क्या क्या हो गया था, तो इस वजह से। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आप लोग को पसंद आता है ढेर सारा लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह।